सामने सामने का नजारा। हाँ वेदू कर रही ब्लॉगिंग। दीदी कैसे मजे ले रहे घोड़े पे। और यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है तगड़ा वाला। रास्ते में तो गाइस यह है मंदाकिनी की। यहाँ से मंदाकिनी है ये। और वहाँ पे देखो सेपरेट सब कुछ, इतना का नेचर है जबरदस्त। तो दोस्तों कुछ कुछ तो बहुत अच्छे नज़ारे और वहाँ पे देखने को मिल रहे थे प्रकृति के। मंदाकिनी के साथ साथ हम ऊपर भटक थे घाटी में। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज़ थे वहाँ पे। सारा पूरा रास्ता ही केदारनाथ तक का पूरा एडवेंचरर था। कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि बोर हो गए। सभी मस्त रास्ता एकदम, कुछ हर प्रकृति का हर टाइप का नज़ारा, पानी से लेकर पहाड़ से लेकर पेड़ पौधों से लेकर इंसानों के लेकर सब कुछ बहुत अच्छे थे वहाँ पे। तो जब भी आप आते हो तो अपने साथ पूरी सामग्री लाएं, रेनकोट तो 100% लगा। वहाँ शाम के बाद पक्का बारिश होती है ऊपर ना केदारनाथ। तो वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं आपके जहन में डालना चाहता हूँ दोस्तों। जो आदमी सक्षम है ऊपर जाने अपने हाथ पैरों से, तो कृपया कर अपने हाथ पैरों से ही ऊपर जाए। उससे भोले बाबा भी आपसे प्रसन्न होंगे। बेचारे घोड़ों पे बहुत अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। मतलब कुछ कुछ घोड़े तो अच्छे थे पर कुछ कुछ पे मतलब पतले दुबले बेचारे नहीं चल पा रहे थे। कुछ तो रुक रुक के चल रहे थे, सांसें फूली थी। थोड़ा पशुओं पर दया करें, इंसान तो एक बार के लिए बोल देता है। पर कुछ घोड़ों के मतलब कंडीशन आते अच्छी नहीं। तो दोस्तों कुछ लोग तो असमर्थ भी होते हैं वहाँ पे ऊपर जाने में। तो उनके लिए तो कंडी है, क्या बोलते, बास्केट है, पालकी है, तो उस पर भी जा सकते हैं, घोड़े पे भी जा सकते हैं। असमर्थ लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी है जो असमर्थ हैं। तो जो समर्थ है वो पैदल ही जाएं कि भोले भी उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे जी। केदारनाथ का लैंडस्लाइड,
गाइस ये देखो अल्टीमेट व्यूज टॉप ऑन केदारनाथ सेल्फी तो फोन पर ना नहीं कहीं आया नजारा केदारनाथ का ये क्या सुंदर नजारे चांदी जैसा लग रहा है ना वाह बहुत टाइम बाद देखी थी बड़ा शिवतालिक भाई अभी ये रहा व्यू यहाँ का केदारनाथ पहुँच गया केदारनाथ पहुँच चुके हम आवाज हमारी बैठ चुकी है ये चांदी की पहाड़ियाँ हम आए ना वो जो रास्ते वो रास्ते आप आओ ये देखो यहाँ पे घोड़ा और वो बंद हो जाता है पार्क घोड़ा बंद हो जाता है इधर कितना बेस्ट रास्ता है देखो यहाँ तक घोड़ा वाला कीचड़ कीचड़ पहुँचने वाले हम तो गाइज मेरा स्टिक भी टूट गया एक और ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का वाह अरे घोड़े फिर भी आ रहे हैं ये देखो वो उधर है केदारनाथ मिलते हैं आपको आगे बैटरी लो हो गई हमारी हम पहुंच गए फाइनली केदारनाथ जय हो महादेव अरे बाद में करना यार जय हो महादेव ये देख लो महादेव के दर्शन आपको भी करा देंगे जो जो लोग आए नहीं अभी उनको भी हर महादेव ये यहाँ पे कैंप है सारे तो ये रहा हमारा पड़ाव फाइनली हम पहुंच चुके हैं बड़ी मुसीबतों को फेस करते करते क्योंकि हमारे साथ बच्चा था वो बच्चा ले ये बच्चा है इसने बड़ी मुसीबत क्रिएट करी रास्ते में कभी आता ना गोद में कभी रोता डर भी लग रहा था और ये रहा मंदिर चलो बस गेट पे एंट्री कर दे हर हर महादेव जय केदार बाबा तो ये यहाँ का छः बजे का व्यू है सांस इसलिए फूला पीठ में इतना भारी बैग है तो सांस फूला अभी चढ़ाई से आए ये 6 बजे का व्यू है यहाँ का देख लो आप 6 बजे का व्यू सारे कैंप लगे पड़े तो सूर्य से सूर्य नहीं तो लाइट ही दिख रहा चल चल इधर होटल की तरफ चलो